नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संभल पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता राजीव सिंघल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएफआई फैसले का विरोध करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएफआई का समर्थन करने वाले लोगों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार की प्रशंसा करता हूं और इसका स्वागत करता हूं जो आज पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर जो प्रतिबंध लगाया है, वास्तव में यह स्वागत रूपी निर्णय है और मैं इस निर्णय का समर्थन करता हूं। पीएफआई संगठन एक ऐसा संगठन है जो लादेन को शहीद ठहराने, याकूब मेमन अफजल की फांसी को रुकवाने तथा देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों तथा देश को टुकड़े करने तथा देश को एक इस्लामिक संगठन के रूप में स्थापित करने वाला ये संगठन था। और पीएफआई संगठन, इस पीएफआई संगठन पर जो आज मोदी जी ने, सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, वास्तव में ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है और निश्चित रूप से इसमें सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, राष्ट्रभक्तों को समर्थन करना चाहिए। पीएफआई पर बैन लगाने के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र द्वारा पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उस पर उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टिकरण की नीति मानकर ये लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मारकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएफआई के साथ साथ आरएसएस जैसे संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जौनपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता संघ शाखा के तत्वाधान में अभिकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शाहगंज शाखा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अभिकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं की मांगों को लेकर देश में सभी शाखाओं पर धरना प्रदर्शन किया गया है। पहली मांग है कि हमारे बीमा धारकों का बोनस बढ़ाया जाए पॉलिसी पर। कई सालों से उनके बोनस की वृद्धि नहीं हो रही है। वो जो अपने पॉलिसी पर लोन लेते हैं उस पर ब्याज दर बहुत अधिक है, उस पर ब्याज दर घटाया जाए। CLIA हमारे जो एजेंट भाई हैं उनका ये नार्म हटाया जाए, उनको फील्ड अलाउंस दिया जाए और हम लोगों के लिए जो आम तौर पर जितने भी अभिकर्ता हैं उनके परिवार को मेडिक्लेम की सुविधा। इससे पहले भी आप लोग जो है आंदोलन करते हुए दिखाई दिए थे, तो आखिर क्या वजह, सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार को अब झुकना पड़ेगा। आज की स्ट्राइक ऑल इंडिया स्तर पर जो हमारे केंद्रीय से शीर्ष नेतृत्व के फोन आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। और आईएम में दलित छात्र की मौत पर संभल में भीम आर्मी का गुस्सा भड़का है। भीम आर्मी ने प्रदर्शन कर दोषी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भीम आर्मी ने प्रदर्शन करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज की जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो या राज्य में बैठी हो, इस सरकार का रवैया हो चुका है कि जो दलित समाज है उसके खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं करवाते रहते हैं। क्योंकि जब ये कोई घटना घटती है उस पर कार्रवाई नहीं करते तो उन लोगों को और बल मिलता है, वो और आगे और घटना को ज्यादातर बढ़ाते रहते हैं। इसी उसमें आज कल रात को औरैया में एक निखिल कुमार नाम का 10वीं का छात्र था जिसको उसके अध्यापक अश्वनी कुमार ने पीटा था और उसकी इतना पीटा गया था कि 18 दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब भीम आर्मी और उसके पीड़ित परिवार ने धरना किया, मांग की कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद भी यूपी सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसको सेवानिवृत्त करने के लिए तैयार है। संभल में मामूली बात पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों ओर से घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
बाराबंकी के बबरिया गांव में पति पत्नी के कुछ बातचीत को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद पति ने फावड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हत्या से पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। सहारनपुर में शारदीय नवरात्र पर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में चल रहे मेले के दौरान मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल ने सिद्धपीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर उनके साथ डीआईजी सुधीर कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित कई स्टाफ के लोग मौजूद रहे। जी, आज मां शाकंभरी मंदिर में जो मेला लगा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एडीजी मेरठ जोन महोदय यहाँ आए हैं, जिनके साथ में डीआईजी सहारनपुर महोदय और मैं एसएसपी सहारनपुर भी हूँ। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जो मंदिर की सुरक्षा है उसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसकी की समीक्षा आज की गई। इसमें मेरा कोतवाली की स्थापना, जो हमारा फ्लड प्लाटून आया है पीएससी का, पीएससी है, ट्रैफिक पुलिस है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, बिजली की, खाद्य सुरक्षा की, अग्निशमन की, ये सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है और जो महत्वपूर्ण ड्यूटी स्थल हैं वो चेक किए गए हैं और आवश्यक दिशा निर्देश एडीजी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिनका की अनुपालन करवाया जा रहा है। गाजीपुर के जुमानिया कस्बे के कसाई टोला में गौकशी के तीन आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इन तीनों आरोपियों के 5,20,70,000 की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। लगातार माफियाओं के ऊपर और गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। इस बार अभियान के तहत गौकशी करने वाले जितने भी इस तरीके के गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एसपी आरए अभिषेक भारती और उनकी टीम के अंदर कुछ जितनी भी इन लोगों की जो बेनामी टाइप की संपत्ति है, जो इस तरीके के धन से अर्जित संपत्ति है, सभीों को धारा 14(1) में कुर किया गया है। आज तीन व्यक्तियों की नगद संपत्ति, इसमें अकील कुरैशी और गफार कुरैशी और वाहिद अली, इन तीनों की संपत्तियाँ, जो संपत्तियाँ इन लोगों ने अपने नाम पे और अपने परिजनों के नाम पे रखी हुई थी, कुल लागत जो है इन संपत्तियों की कुछ अनुमानित कीमत 5,20,70,000 नगद रुपये है। फिरोजाबाद के रसीपुर गांव में बनने वाली नई कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। दरअसल फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था, जिसके बाद फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया। उसके बाद कोई भी एक्शन कॉलोनी की तरफ से नहीं लिया गया, जिसके बाद मजबूरन एसडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में जमकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। नोटिस इलाके थे लेकिन ये काटे काटते रहे, इनको नक्शा पास नहीं हुआ इनको बताया गया लेकिन ये नहीं माने और सबको जो है काटे कर दिए, लोग मूर्ख बनाए। ऐसी स्थिति में फिर इनको जो है नोटिस दे करके कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। अभी तक आपने कितने भवन और कितनी जगह चिन्हित की है? मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी 8 तारीख को ही ज्वाइन किया हूँ और मैं 8 जगह में चिन्हित किया हूँ, जिसमें मैं कुंडला में गिरा चुका हूँ पॉपुलर एजेंसी। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्ति के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण महारा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया, जो कि गलत है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर से भर्ती करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें से 228 तर्द और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल हैं। हत्याकांड में बड़ी अटपटी सी स्थिति राज्य में हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मैंने डोजर भेज के इस रिजॉर्ट को तोड़ने का काम करा दिया है, दूसरे दिन डीएम कहते हैं कि मुझे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, और कल आश्चर्यजनक ढंग से उनका एक स्टेटमेंट आता कि मेरी जानकारी में ही ये तोड़ा गया, उससे पहले साक्ष्य जुटा लिए गए थे। और इसी बात को पुलिस ने भी कहा था कि हमने साक्ष्य पहले हटा लिए, उसके बाद वहां तोड़फोड़ हुई है।
अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष शुभ कंडवाल काफी आहत नजर आई। उन्होंने अंकिता को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपना जन्मदिन तक सेलिब्रेट नहीं किया, यहाँ तक कि अपने समर्थकों को जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। कुसुम कंडवाल का कहना है कि अंकिता पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी बन गई है, इसलिए बेटी को खोने के गम में किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन किया जाना उचित नहीं है। हाँ, आज जन्मदिन था लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी ताजी घटना हुई है और हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो उत्तराखंड की बेटी थी उसकी इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर जन्मदिन तो आते रहते हैं और इस तरह से मुझे बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही दुखद है और मैं लगातार तब से 21 तारीख से मैं इस केस पे लगी हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एक टीम गठित कर ली है जिसमें 3 लोगों की एक टीम गठित की है, जिसमें उप जिलाधिकारी यमकेश्वर और DPO पौड़ी और SI लक्ष्मण झूला, 3 लोगों की एक टीम गठित। ऋषिकेश में IDPL चौकी पुलिस की सक्रियता से 2 नाबालिग बहनों का अपहरण होने से टल गया। पुलिस ने दोनों बहनों को दिल्ली के कश्मीरी गेट से सकुशल ढूंढ लिया। दरअसल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल अंकिता हत्याकांड से सबक लेते हुए अपनी जाँच शुरू कर दी। CCTV कैमरे के फुटेज में दोनों बहनें कोल घाटी तिराहे तक ऑटो से पहुंचती हुई दिखाई दी, जहां से वो रोडवेज बस में बैठकर हरिद्वार की ओर रवाना हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP दिलीप कुमार कुंवर ने भी तत्काल नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस और SOG देहात की टीम को निर्देश दिया, जिसके बाद सुरागसी करते हुए पुलिस टीम दिल्ली पहुंच गई। चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि कश्मीर गेट से दोनों नाबालिग बहनों को सकुशल ढूंढ लिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।